नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए कारगर साबित होगा। इस वेबसाइट के जरिए श्रमिक अपना कार्ड बनवा सकेंगे और जिन लोगों का यह कार्ड बन जाएगा उन्हें सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिलेगा। ऐसे में जानते हैं आखिर यह कार्ड किस तरह बनवा सकते हैं और कार्ड बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको आधारिक वेबसाइट http://eshram.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको आधार से लिंक किए गए नंबर के साथ OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और OTP के जरिए प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा और आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आपको आगे कई तरह के फॉर्म और भरने होंगे, जिसमें पहले फॉर्म आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होगा। इसके बाद आपकी रेसिडेंशियल डिटेल्स का फॉर्म भरना होगा। इसमें दूसरे राज्य वाले लोगों के लिए अलग ऑप्शन है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको ये सेव करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आपको आपके ऑक्यूपेशनल स्किल्स का फॉर्म भरना होगा। इसमें आप जिस तरह का काम करते हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए आप पोर्टल पे दी गई लिस्ट में अपना वर्क एरिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहाँ PDF के जरिए भी अपना वर्क एरिया ढूंढ सकते हैं। इस PDF में वर्क एरिया की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में मिलेगी। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, नाम आदि की जानकारी देनी होगी। इसको ओके करने के बाद आपको अपनी ओर से भरी हुई सारी जानकारी मिलेगी, जिसे चेक करके आपको ओके कर देना होगा। फिर आपको OTP मिलेगा और OTP भरने के बाद आपका कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें QR कोड भी होता है। ई श्रम पोर्टल की मदद से श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी, फिर उसी आधार पर सरकार श्रमिकों के लिए योजनाएं और नियम बनाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुँचे। सरकार की तरफ से देश की सभी श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर उनका काम के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसी आधार पर सरकार श्रमिकों का रिकॉर्ड तैयार करेगी। सरकार की तैयारी ई श्रम पोर्टल पर लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन करने की है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।